सर है सबके लिए, और नए जो लीडर हम बुलाना चाहते हैं उनके विषय में थोड़ा सा हल्का सा परिचय दे दे बस हम, कि जैसे जैसे आप कुएं के अंदर गहराई में जाएंगे ना, उतना मीठा पानी मिलता है। और इस बिजनेस में जैसे जैसे आप अपना टाइम डालते हैं, या जो हमारी ओपन मीटिंग हो रही है इसमें आप जैसे जैसे अपने टाइम टाइम डालते हैं, जो लास्ट टाइम जो आता है ना, बड़ा क्वालिटी टाइम होता है, उसे बड़ा मीठा मैसेज मिलता है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और उस मैसेज को लेने के लिए, उस नॉलेज को लेने के लिए हम सभी लोग जो है व्याकुल रहते हैं कि कैसे मिले ताकि हमारे बिजनेस में रफ्तार आए। तो आप लोगों की हेल्प से बुलाना चाहेंगे, इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन है और हमारे बनारस की बहुत बड़ी पिन है, उनको बोलते हैं डायमंड पिन। तो आप लोगों की हेल्प से बुलाना चाहेंगे मनोज जी और संगीता जी, प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। मनोज जी आप लोग के साथ सामने नहीं आ पा रहे हैं कुछ हेल्थ चैलेंज की वजह से, बट कोई बात नहीं। इस बिजनेस में आप सब मतलब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कहेंगे कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं ना, हर एक व्यक्ति एक नई हिस्ट्री को क्रिएट कर रहा है, अपनी एक नई स्टोरी को बना रहा है, अपनी सक्सेस स्टोरी को लिख रहा है। बस अंदर से अपने आप को चेंज करते रहिए, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जो भी चीजें हो, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली वक्त के साथ अपने आप आ जाएंगी, अपने आप बदल जाएंगी। बदलना सिर्फ अंदर वाला ही मुश्किल है, और उसको हम लोग आसान सोच के नहीं बदलते हैं। बट ये बिजनेस, ये जो सिस्टम, ये एसोसिएशन जिसके यहाँ पे हम सब लोग बातें कर रहे हैं, चाहे वो बुक्स है या ये जूम मीटिंग है या जो भी स्पॉटिफाई है, तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हैं। हम सब के अपलाइन सुमित जी और तान्या जी हैं, उनकी इतनी अच्छी टीचिंग्स आ रही है, इतनी अच्छी गाइडलाइंस आ रही है, उनके इतने अच्छे सपोर्ट्स हैं, इतना लव ब्लेसिंग्स हैं उनकी। बस हम सब लोग इसमें जुड़े रहे, और जो चीजें हमारे पास आ रही है हमारे अपलाइन के थ्रू, हम उसको अच्छे से सुने, समझे, फॉलो करें, अपनी टीम में फ्लो करें। और जो बोलते हैं ना, पूरा जो एक क्रिकेट मैच हो रहा है, जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, हर एक स्पोर्ट्स में देखे एक टीम टीम गेम जिसको बोलते हैं, टीम इंडिया, टीम प्लेयर। बस इस बिजनेस भी टीम गेम है। अपने अपलाइन की टीम में बने रहिए, और कहते हैं ना कि जब टीम प्लेयर में आते हैं किसी भी मैच में, तो जो प्लेयर नहीं खेलता है ना मैच, जिनको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा प्लेयर्स जो लेते हैं हर गेम में, वो एक्स्ट्रा प्लेयर्स बाहर बैठते हैं, बट वो भी उतने ही जुनून से लोगों का उत्साह वर्णन करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने टीम प्लेयर्स को, बाकी चीजों को, और उनमें भी वो पूरा उत्साह होता है, वो खुशी, वो जश्न होता है कि हम सब जीतेंगे, और वो मेंटली फिजिकली सपोर्ट करते रहते हैं। तो हम लोगों को भी बस इस बिजनेस में उस टीम भावना के साथ खेलते रहना है। हमारा बिजनेस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हमारा हेल्थ चैलेंज है या समथिंग, कोई भी चैलेंज है, डजंट मैटर, अगर हम मेंटली एक टीम के साथ जुड़े हुए हैं और सपोर्टिव हैं, तो हमारी भी ग्रोथ होगी और पूरी टीम की ग्रोथ होगी। और जो अभी बात की ना कि वो जो सक्सेस है, जो अभी फिजिकल फॉर्म में भी आनी है, वो हमारी इंटरनल सक्सेस आएगी, हमारा इंटरनल चेंज होगा, तो बाहर सब कुछ हो जाएगा। और आप सब हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आने वाले हैं, सब सुनेंगे कि वो किस तरह से आगे।